पश्चिमी दिल्ली छावला बोर्ड के छठ घाट कुतुब विहार पर दिल्ली के छठ घाट जिसे जोड़ के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर छठ पर्व का आयोजन श्री शैलेंद्र पांडे द्वारा किया गया, जिसमें उमेश कुमार और उनके कई पदाधिकारी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और शैलेंद्र पांडे जी ने कोरोना के सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए बड़े ही धूमधाम से मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व सांसद श्री महावल मिश्रा जी पधारे। श्री महावल मिश्रा जी ने क्षेत्रीय वासियों को महापर्व छठ की बधाई दी। छठ महापर्व के अवसर पर पूरे देशवासियों को, भाई बहनों को, छठ व्रतधारी को दिल की गहराई से बधाई देता हूँ। देश का उज्जवल भविष्य, परिवार का उज्जवल भविष्य और समाज में एकता बनी रहे, सौहार्द बना रहे और उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। जय छठी मैया की। बहुत अच्छा लगा, वो हर साल बहुत इतना मेहनत करते हैं, उनकी वजह से ही आज इतनी भीड़ और ये छठ घाट का आयोजन हुआ है, नहीं तो यहाँ पर कोई छठ घाट नहीं था। शैलेंद्र उनके लिए छठ माता उनको उन्नत और प्रोग्रेस करें और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही हमारा आशीर्वाद है। और छठ माई से भी यही प्रार्थना करूंगी कि और ऊंचा उठे और हर साल ऐसे प्रोग्राम करते रहें। छठी मैया के चरणों से मैं यही कहूंगा कि हे माता, पिछले वर्ष तो कोरोना के चलते हम छठ नहीं मना पाए, लेकिन इस बार आपकी कृपा हुई तो दिल्ली में छठ मनाने का आदेश पारित हुआ। माता से प्रार्थना है कि आने वाले वर्ष में पूरे दिल्ली में छठ मने, क्योंकि अभी दिल्ली के यमुना घाट पर छठ नहीं मन रहा है, इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन माता से प्रार्थना है कि आने वाले वर्ष में दिल्ली के तमाम हिस्सों में मैं यमुना घाट का भी छठ बने, इसलिए संदेश में छठी मैया से अर्जी करता हूँ कि आपके माध्यम से अगले वर्ष हमारा सुख शांति आए। छठ घाट पर बिल्कुल सुना सुना महसूस होता था, हम सभी यहाँ बैठ कर बहुत उदास मुद्रा में थे कि हे छठी मैया, आप कृपा करिए कि जो छठ घाट हजारों श्रद्धालुओं से परिपूर्ण होता है आज सुना पड़ा हुआ है। तो आज मुझे बेहद खुशी है कि कुतुब विहार की जनता ने यहाँ पर छठ घाट पर आकर पूजा किए और हमें इस बात का बहुत ही खुशी है।